की जाएगी, लेकिन मेरा आठ बहुत भारी पड़ता था उनके ऊपर। फील्ड में जाएं, कोई जुड़ने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, वापस आए घर वाले सुनाने को तैयार बैठे पूरे पूरे। लगातार 11 महीने के दौरान सर ने बोला था कि तुझे फ्राइडे की ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है, संडे का प्लान नहीं छोड़ना। मैंने कभी नहीं छोड़ा, अब तक भी नहीं छोड़ा, छोड़ूंगा भी नहीं। 11 महीने तक 11 रुपए नहीं कमाए मैंने आपके हिसाब से, और आम आदमी होता मैं, क्योंकि गरीब तो पहले ही था, मैं गरीब तो पहले ही था, इससे ज्यादा गरीब हो सकता था? हो सकता था? नो, क्योंकि मुझे इस बात का पहले से मालूम था, इस स्टेज से मैं गिर सकता हूं लेकिन इस फ्लोर से नहीं गिर सकता कभी भी, क्योंकि मैं ऊपर नहीं हूं। थैंक यू। और फ्लोर तक भी बात जमती है कि फ्लोर पे खड़ा है बंदा फिर भी गिरने के चांस है, जैसे स्लिप होके गिर जाए, 10 फीट अंडरग्राउंड से निकल के वापस निकाला गया, जैसे तो कोई अग्निकुंड से निकाला हो लड़के को, ऐसे उतार दिया गया इसको बिल्कुल गड्ढे से एकदम। नितंग नंगा परिवार तो कुछ नहीं था, ना खाने के लाले पड़ते थे, कभी कपड़े भी शादी होती तो आते थे, त्यौहार होगा तो कपड़े मिलेंगे, बीच में नहीं। और एक बार शादी को दिलवाएंगे कपड़े, बोले प्रेस करके रख दो, अगली बार किसी की शादी होगी तब काम आएंगे। ये परिवार के हालात थे, लेकिन डेली टोंट मार मार के मैं बिल्कुल डटा रहा एकदम। अपलाइन को कमिटमेंट किया था कि सर लड़का डायमंड बनेगा, गारंटी से डायमंड बनेगा, कुछ भी झेलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, मैं झेलने को तैयार हूं। डायमंड बनना चाहिए लड़का, क्या बनना चाहिए? डायमंड। जरूर था अंदर एकदम बर्निंग डिजायर थी, बनकर रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम था मेरी गरीबी मिटाने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प था, सिक्योर लाइफ। थैंक यू। 11 महीने तक पैसा नहीं आया, 11 महीने बाद पहला चेक बना 3000 रुपए का। कितने का चेक बना 11 महीने बाद? 3000 का। क्या कर सकता था बताओ उस 3000 में? घर वालों को दे 3000 तो ले लो, बोल बाकी कहा है? मैंने यार सबर रखो, बाकी भी लाके देंगे। मतलब 11 महीने की पोजीशन है सीरीज, जिसमें मैंने फ्राइडे की ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी, संडे का प्लान कभी नहीं छोड़ा, गेस्ट ले जाना कभी बंद नहीं किया, और अपलाइन ने जहां भी मुझे बुलाया मैं वहां भी गया, क्योंकि लॉजिक देने वाले इतिहास नहीं बनाते और इतिहास बनाने वाले लॉजिक नहीं देते कभी भी। फिर मैंने सर से कंसल्ट किया वापस, मैंने बोला सर काम नहीं चल रहा है, 11 महीने हो गए, चेक वेक भी नहीं आए। फिर दोबारा बैठा, फिर दोबारा बात की, उन्होंने बोला बेटा तेरी काबिलियत तुझे बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी? काबिलियत। मैंने ये कैसे बढ़ेगी? बोल पढ़ना पड़ेगा, मैं सब 14 क्लास पढ़ा लिखा हूं। बोला उसको साइड में कर, अभी तुझे बिजनेस की नॉलेज लेनी पड़ेगी, बिजनेस की बातों को जानना पड़ेगा, लोगों से कन्विंस करने की ताकत को जानना पड़ेगा, लोक व्यवहार के बारे में तुझे जानना पड़ेगा, लीडरशिप के बारे में तुझे जानना पड़ेगा। मैंने बोला आदेश करो सर क्या करना है? बोलो TBF हमारा 8वां स्टेप है, उसको पहले स्टेप पे ला, पढ़ाई लिखाई कर। मैं दिन में किताब पढ़ता था, दोपहर में पढ़ता था, शाम को जब भी मुझे टाइम लगता था, किसी के 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, मैंने किताब पढ़ी, रात को 2 बजे पढ़ी और 3 बजे पढ़ी, लगातार पढ़ी काबिलियत बढ़ाने के लिए। जितने ओडे सुनने की बात थी, जितने मेरे लैपटॉप में, सारे सुने ओडे कंप्लीट। थैंक यू। वीडियो देखने की बात आई, बहुत बार वीडियो देखे मैंने, संतोष नायर कहा गया कि मैंने 4 देखे वीडियो देखा था, पहली बार लैपटॉप नहीं था मेरे पास, कुछ भी कंडीशन इतनी खराब थी, कुछ नहीं था, ना डीवीडी थी, ना लैपटॉप था, ना मोबाइल था, कुछ नहीं, सिर्फ मैं ही था और मेरा जुनून और मेरा विश्वास था कि लड़का डायमंड बनेगा सिक्योर लाइफ में। तो धीरे धीरे काबिलियत बढ़ाई, बढ़ाने के बाद काम करना, फिर काम किया, फिर काम धीरे धीरे चलने लगा। तो एक दिन अपलाइन ने मुझे अच्छी बात बताई आके, ड्रीम लिखते थे, लिखते कि नहीं लिखते बताओ आप? आज तक मेरा ऐसा मानना, सिक्योर लाइफ माने बात हम आम बात करेंगे, छोटी बात करेंगे, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जिस दिन 2 लाख पर वीक की बात करेंगे, गाड़ी लाने की बात करेंगे, लैपटॉप लाने की बात करेंगे, विदेश जाने की बात करेंगे, चुन चुन के दुश्मन है, कोई इधर से निकलेगा, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से जा रहा है, सब मजाक बनाते हैं, अच्छा कब जाएगा भाई? तो ड्रीम लिखना बोला, तू ड्रीम लिखा कर लगातार, और बोला कर लोगों को ये लेने वाला हूं, ये लेने वाला। मैंने ठीक है सर, बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। साइकिल से शुरुआत की थी, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्री में देखा, साइकिल भी टूटी फूटी थी, मतलब इतनी आराम जाती थी साइकिल, साली पेंट पकड़ लेती थी बहुत बार। थैंक यू। पहले बार तो कपड़े होते नहीं थे, जो होते तो पेंट खराब, वो साइकिल खराब कर देती थी बहुत बार, क्योंकि कंगाली में आटा गीला होता है। इस बात को, इस बात में मैं लाके ठहराता हूं आपको कि महाराज इसमें MP के अंदर लगातार 4 दिन 5 दिन से बारिश आ रही है, बाढ़ के आसार है, राजस्थान सूखे के लिए प्रसिद्ध, उसके बावजूद ही बारिश नहीं हो रही, बताओ। तो बात समझ में आ गई, बोला बाइक लेनी है, मैंने कहा ठीक है सर ले लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लैपटॉप की व्यवस्था, बैठा इस बिजनेस में आने के बाद वो लैपटॉप लिया,
फिर सर ने बोला लैपटॉप से काम नहीं चलेगा भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टूल हमारे बिजनेस के अंदर मोबाइल, क्या है मोबाइल, मोबाइल तुझे लेना पड़ेगा। मैं टेंशन में आ गया कि मोबाइल ले तो सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारी कंपनी है लेकिन पैसा नहीं लेने के लिए, यस और नो? और पैसा हो तो कोई भी खरीद सकता, कोई बड़ी बात नहीं मोबाइल लेना मेरे हिसाब से तो। लेकिन मेरे घर वाले मेरी डेली वो लेते थे हाजिरी, शाम को बता भाई कितने जोड़ के आया, कितने फॉर्म भरे, कितनी डीडी आई, उनको तो मतलब था पैसा निकलना चाहिए कैसे भी करके। मैं शाम को आया, मैंने बोला बैठो सारे के सारे मेरी बात सुनो एक बार, आज से बिजनेस चलेगा हमारा कल से ही। बोलो काम बता क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला कि मोबाइल दिलवाना पड़ेगा बस। क्या दिलवाना पड़ेगा? मोबाइल। मैंने बोला एक बार मोबाइल दिलवा दो, लोगों से बातचीत होगी, प्लान की सेटिंग करेंगे हम, फॉलोअप करके आएंगे टाइम से, जैसे जैसे कम्युनिकेशन बढ़ेगी ना वैसे वैसे रोकड़ा बढ़ेगा। तो बोले पैसा तो नहीं मोबाइल लाने के लिए, भगवान ने पता नहीं कहां से बुद्धि दी। मैंने कन्विंस किया कि दुनिया में सारे काम पैसे से नहीं होते, बहुत सारे काम ऐसे होते जो बिना पैसे हो जाते हैं। बोल क्या करना पड़ेगा, बोल क्या दिख रहा है तुझे? तो मैंने यूं नजर घुमाई, हमारी बकरी बंदी थी ऐसे ही। थैंक यू। यूं किया जैसे ही, तो समझ गए क्या करना चाह रहा है ये। बोला तेरा मतलब क्या है? मैंने कि जो समझ गए वही मतलब है। थैंक यू। आज ये बात हम करते हैं तो हंसी आती है, लेकिन पहले के दिन तो मैं रो भी नहीं पाता डर ढंग से। पहले इसने ही रोता था कि आंसू बचा के रहे, खुशी में आएंगे, खुशी में आने पर तो दिन भी याद नहीं आते। यस और नो? मैंने बोला जी ये बेच देते हैं। बोला बेवकूफ आदमी है, दो टाइम की चाय पी तो उससे भी तू बेकार करेगा, हमें आधे किलो दूध लाने की औकात नहीं, कम से सुबह से हम चाय तो पी लेते, तेरे को पिलाते हैं। मैंने बोला खड़ी खड़ी कुछ नहीं कर रही, मिंगन करती है, कचरा फैलाती, फालतू बेच कर नक्की करो इसको। उनको मोटिवेट किया, तुम्हें बकरी चाहिए या लड़का डायमंड बनना चाहिए? बोला लड़का डायमंड बनना चाहिए, कुर्बानी देने को तैयार रहिए। बकरी बिचवा दी साहब 4,000 रुपए में, मोबाइल खरीद लिया बढ़िया वाला एकदम, 2,500-3,000 का ले लिया मैंने, लिया भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तीसरे चौथे दिन आया, मैंने घर पे लगाया, और घर पे लगाने के बाद क्या हुआ, बैटरी डेड हो गई थी। मैंने मेरे सिस्टर को बोला कि इसको चार्ज लगा दो, तो चार्ज लगाने की जैसे ही बात आई, वो सिलाई करती मेरी बड़ी सिस्टर, तो एक फीता गले में होता है, कैंची हाथ में होती है, उस पिन से पता नहीं लाइट आएगी नहीं मालूम नहीं, तो उसने पिन काटी आगे से, तार छीले तो लगा दिया अंदर। थैंक यू। मोबाइल वहीं की वहीं सही, त्राई माम करता मर गया बेचारा, कि कोई तो बचाओ यार, कोई तो बचाओ, कोई नहीं बचा पाया उसको। थैंक यू। वो भी कुर्बानी दे गया बेचारा, शहीद हो गया। बोला तेरा डायमंड बनने पता नहीं क्या क्या होगा। फिर 2-3 दिन बाद मैं घूम के आया, बोले तेरा हाथ चला गया। मेरी मदर बोलती थी हैंड, हम तो लेग बोलते, तेरी लेग चली कि नहीं चली? वो बोलती हाथ चला कि नहीं चला, एक लेग चलती थी दूसरी लेग नहीं चलती, बोलते तेरा दूसरा हाथ चला कि नहीं चला? मैंने बोला चल जाता लेकिन उन्होंने जला दिया बीच में ही। तो बोला आप बता क्या करना है? तो मैंने बोला मेरे पास एक और जुगाड़ अभी। वो बोले ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, मैंने बकवास नहीं करा, सही बात बता रहा हूं आपकी ईमानदारी से। मैंने फिर नजर घुमाई तो बकरी का छोरा खड़ा था, बकरा। मैंने बोला ये, बोला बेवकूफ है तेरा दिमाग खराब है, ऐसी ऐसी बात करता है, ये फलान ठिकाना। फिर मैंने मेरी मदर से क्वेश्चन किए, पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ सारे घर वाले मेरे अलावा। फिर मैंने मेरी मदर से क्वेश्चन किया, चल एक बात बता दे, अगर तेरा बेटा गायब हो जाए तू चैन से रहेगी? बोला नहीं। तो फिर ये कैसे चैन से रहेगा बता? थैंक यू। उसको भी बिकवा दिया। वो बोलते थे तू घर से बाहर निकलता नहीं, जब तक घर में रहेगा पता नहीं क्या क्या बिकवाएगा हमारा। मैंने बोला कुछ नहीं बिकवाना, टेंशन खत्म, जो होना था हो गया। अब लगातार काम करना चालू किया उस मोबाइल के साथ, फिर धीरे धीरे टीम बनती गई, लगातार लोग आते गए, प्लान दिखाना मैं सीख गया था काबिले जैसे, बड़ी सिस्टम के लगातार टच में रहा। फिर बाइक लेने की बात आई, एक बार बाइक ली, बाइक लेने लेने में इतने पसीने आ गए, कार की उम्मीद ही छोड़ दे, अपनी कार भी आई कभी, अभी ये नेगेटिव, अभी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, जमीन नहीं है, वो नहीं है, फलान ठिकाना, मैंने कि सब कुछ होगा, फिर जरूरत ही क्या तेरे से लेने की, कहीं से ले लेंगे? बाइक ली, बाइक के बाद मैं बोलता था लोगों को कार लेंगे, क्या लेंगे? जैसे कि हमारी सख्त नीड है कार, क्या नीड है? सख्त नीड हमारी कार, इस बिजनेस के लिए सबसे बड़ा जो टूल है कार है। तो मैंने बोला मैं कार लूंगा, जैसे आप लोग बोलते होंगे सबको, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को, सबको बोलते हैं, मैंने बोला मैं कार लूंगा, मतलब अब से पहले कोई मेरा हालचाल पूछने नहीं आता था कि लड़का कैसा है क्या कर रहा है। जिस दिन कार के लिए बोला गली गली से फोन आने लग गए,
सुना है कार ले रहा बताया, रिश्तेदार फोन करके पूछते थे अच्छा कार ले रहा है कहां से लाए कितना पैसा, मेरा फादर टेंशन में आ गया, बोले बेवकूफ आदमी कार ले क्या करे पेट्रोल कौन डालेगा, अरे कितना महंगा पेट्रोल है 75 रुपए था 75 रुपए पेट्रोल है, तेरा दिमाग खराब है कैसे चलेगी बता, 5 लाख की कार लेके इससे बैठा तो 5 लाख की जमीन खरीद ले प्लॉट ले ले प्लॉट अगले साल डबल। मैंने बोला गणित आपको आती थी पहले फिर लिया क्यों नहीं, जब ये गणित आती थी आपको पहले से कि एक बार लेंगे तो डबल हो जाता है तो डिसीजन क्यों नहीं लिया आपने, बोला तो मेरे जमाने की बात छोड़ तो मेरे हाल मेरे पे छोड़ दे फिलहाल करना क्या है। कार लेने की बात आई तो कार के लिए जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना मतलब क्या क्या चाहिए होता है, एक रजिस्टर चाहिए मतलब बैंक अकाउंट चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, ITR चाहिए और क्या चाहिए बताओ, जमीन चाहिए, डाउन पेमेंट चाहिए, गारंटर चाहिए गवर्नमेंट वाले, सोर नो आप बोल क्यों नहीं रे सोर नो, उनमें से कुछ भी नहीं था अपने पास, वो बोलते थे जमाबंदी है, अरे मैं अभी बंदी है फिलहाल कोई जमावा नहीं है यहां पे। थैंक यू। गारंटर है वो भी नहीं है, जमीन वो भी नहीं है, जमीन होती तेरी एस्टेट से करवाते यहां पे कहीं से भी ले लेते हम, कोई फाइनेंस करने को तैयार नहीं था, आज आ करता था कल मना करता था, आज आ करता था कल मना करता था, लोग मजे लेने लग गए वाह, जैसे गली से निकलोगे तो चार दोस्त पहले मेरे साथ हुआ करते आजकल ऐसे होते थे, जैसे गली से निकले हट जा साहब आ रहे हैं हट जा ऐसे ट्रीट करने लग गए, इधर फाइनेंस नहीं हो रहा इधर मजे लेने वाले बढ़ गए। आपसे पूछना चाहता हूं, हर आदमी मेरे से पूछता था कि कहां चलाएगा, क्या बोलते थे कहां चलाएगा, आप बताओ कार कहां चलती है, उसके बावजूद ही मेरे से क्वेश्चन करते थे कहां चलाएगा, तो मैं बोलता था हमारी छाना उसके ऊपर यूं चलाया करेंगे हम। थैंक यू। बहुत लोग मजे लेने के लिए आ गए मतलब उसके बावजूद भी दैट इज पावर ऑफ सिक्योर लाइफ दैट इज पावर ऑफ प्लान और सिस्टम की वजह से 5 लाख रुपए की I10 कार मैंने से परचेज कर ही ली थी फिर भी। थैंक यू। लोग बोला करते थे अगर तू दो की टीम बना ना दो की तेरी टांग के नीचे निकल जाएंगे, सबको माफ कर दिया, तथा तू जाओ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 13,000 से ज्यादा की टीम हो गई भाई। लोग इतने मजाक उड़ाते थे कि हम खुद सुसाइड करने की कंडीशन में होते थे कि मर जाए तो बढ़िया है, कोई बोलता था टाई वाला, कोई बोलता था मैनेजर, कोई बोलता था बाबूजी, कोई बोलता था अरबपति, मैंने मेरी कार पे अरबपति लिखवा दिया बिल्कुल बाबा कायदा, और अरबपति नहीं अरबपति जी, अरे यार 100 करोड़ कमाए कम से कम। हमारा घर ऐसा था साहब अगर बारिश के टाइम आप बैठे हैं तो कम से कम आनंद के साथ बैठते उस विला के अंदर, विला ही बोलता मैं शुरू से उसको, बारिश के टाइम बारिश आएगी उसके बाद हवा आएगी तो कितना आनंद आएगा, मतलब कंबल ओढ़नी पड़ती थी सर्दी लगती थी क्योंकि ऊपर कुछ था ही नहीं। कार लेने के बाद लोग मजे लेने लग गए, बाबूजी एसी कार में चलते हैं, घर की फूस उड़ती है कभी इधर कभी इधर, क्योंकि जब भी स्पीड से हवा आएगी अगर इधर की हवा है तो फूस इधर और हवा फिर इधर गई तो फूस इधर, एक बार फूस इधर जाते मेरी माँ बोलती थी पकड़ो, मैंने कहा टेंशन खत्म इधर की हवा की वापस आ जाएगी। ऐसा मकान हुआ करता था 3 फीट सड़क से गड्ढा था, मतलब जब भी बारिश पूरी खत्म नहीं होगी तब तक घर का पानी निकलेगा नहीं, हर भाई बहन लड़ता था कि पानी बाहर कौन निकालेगा, टेंशन थी बहुत ज्यादा, उसके बावजूद ही लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं किया, लगातार फोकस रखा कि डायमंड बनना है, काम पे लगातार फोकस किया, काम भी करता गया और बड़ी खुशी होती आप लोगों के सामने बताते हुए, जिस घर जो घर 3 फीट गड्ढे में था आज सिक्योर लाइफ की ताकत की वजह से और मेरा प्लान की ताकत की वजह से उस गली का सबसे खूबसूरत मकान बना दिया, बातें होती किस उसका होगा फलाने का। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलता लेकिन जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं जिस जगह में रहता हूं जो लोगों ने 50 साल में काम करके नहीं दिखाया ना, जो लोग 50 साल काम करने के बाद भी यहां तक नहीं पहुंचे, ये लड़का 5.5 साल में सिक्योर लाइफ की वजह से यहां तक पहुंच गया। क्योंकि झोपड़ा होता था तो झोपड़े की कहानी मैं आपको बताता हूं, कितना आनंद आता था झोपड़े के अंदर, मेन गेट के ऊपर इतना जैसे लाइट दिख रही ना ऐसे ऐसे चांद दिखता था उसके अंदर से, छेद था मतलब क्या था छेद, मेरी मदर ने कभी व्रत नहीं रखे रखती भी नहीं हो, एक ही रखती करवा चौथ कि पति की उम्र बढ़ जाए बस, और जब भी लोग करवा चौथ का व्रत करते तो मेरे हिसाब से छत पे भाग के देख क्या था चांद निकला कि नहीं निकला, ऐसा करते कि नहीं करते बताओ, मेरी माँ को कभी ऊपर नहीं जाना पड़ा,
पहली बात तो ये छत नहीं थी, दूसरी बात ये थी कि यहीं से देखना, यहीं करना पड़ता था बस यूं, और दिख जाता था आराम से। इसके बावजूद भी मतलब मैं कभी डाइवर्ट नहीं हुआ, कभी मुझे टेंशन नहीं, कभी मुझे तकलीफ नहीं कि लड़का डायमंड नहीं बनेगा और टीम नहीं बनेगी। मेरा दर्द ये था कि कैसे भी करके जो लोग दर्द झेल रहे ना, इनका दर्द खत्म कर देना। और कहीं पढ़ा था अगर एक आदमी पेन ले तो पूरी फैमिली चैन में आ सकती है। मैंने डिसाइड किया कि मैं पेन लूंगा, पूरी फैमिली चैन में रहेगी। तो लगातार एफर्ट लगाए, संघर्ष लगाए, परिवार भी खुश है। पहले गाली निकालता, आजकल नहीं निकालते गाली वाली कोई भी। पहले शुरुआत में रोटी नहीं खिलाते थे, वो बोलते थे रसोई में रखी उठा के खा ले, इतनी हो तो भी खानी पड़ेगी, एक हो तो खानी नहीं हो तो वैसे सो जाओ चुपचाप। आज वही परिवार रात भर जगता है, जब तक लड़का जाएगा नहीं गरम खिला के सुलाएंगे। बोले नहीं नहीं ठंडी नहीं खाना तुझे आजकल। क्योंकि जब शुरुआत में मैंने काम किया था चेक नहीं आते तो लोग मानते ही नहीं थे, इसलिए नहीं मानते तो उसकी खास वजह रही 26 मेरी कमर थी, 44 किलो मेरा वेट था। क्योंकि 26 कमर लड़कियां मेंटेन नहीं करती, तो उस जमाने में करता था अकेला। थैंक यू। पतला सा दाता था, छोटा मोटा, कोई राजी नहीं होता था कि 78 से बेहतर इसको दे, पहुंचा भी देगा कि नहीं कंपनी तक। डाउट होता था लोगों को, क्या होता था डाउट। लेकिन सिस्टम की पावर तो देखे, लोग बोलते थे कि पतले आदमी मोटे नहीं होते हैं, वेट भी 65 केजी हो गया, कमर भी 33.5 हो गई है। क्योंकि हम पैदा तो सही हुए थे, एकदम बिल्कुल सही था हमारा ढकोसला एकदम, लेकिन गरीबी सुंदरता को खा जाती है। सही बोल रहा हूं, सुंदर थे पहले भी, हैंडसम थे कोई बात नहीं, लेकिन जब से समझने लगे गरीबी होती है तब से गाल पिचक से चले गए बेचारे। अंगूर की तरह पैदा हुए थे, किशमिश हो गए बड़े होते होते। थैंक यू। फिर आगे बढ़ा लगातार, मैंने बोल दिया कि सब आगे वो करूंगा, विदेश जाने वाला हूं। जैसे हर आदमी अनाउंस करता, मैंने बोला मैं विदेश जाऊंगा अभी, और गलती से नहीं जा पाया। लोग पूछ रहे थे अच्छा कौन से एयरपोर्ट पुत्र आप, अच्छा कितने लोग थे फ्लाइट में आपके साथ, कौन से बीच पे गए गोवा के अंदर, अच्छा थाईलैंड में क्या देख के आए तू, गया नहीं तब की बात है, और जाके आया कोई मिलने नहीं आज तक, कोई पूछने नहीं आया कि तू कहां गया कहां नहीं गया, टेंशन ही खत्म। अभी कुछ बोल के देखो, अरे कुछ भी कर सकता भाई कुछ भी, लेकिन अभी बधाई देते हैं, अच्छी सी नौकरी जरूर करना तू। क्योंकि लगातार सनसनीखेज बातें चलती रही, परिवार की हालत टूटती रही, मेरा बाप भी लगातार मेहनत करता था, और दुख इतना होता था उस मेरे बापू को देख के कि यार क्या हो गया इस आदमी की जिंदगी का। क्योंकि जो आदमी 100 किलो की बोरी उठा सकता था मैं मानता हूं, लेकिन टाइम पे हमारे लिए खरीद नहीं सकता था वो आदमी, कभी नहीं खरीद पाया वो। छह महीने मेहनत करता था, एक बार जब राउंड काटता था वादी कमाने के लिए 6 महीने बाद वापस जाता था, और अब ताजुब करेंगे कि 6 महीने बाद 6 लाख नहीं आते थे। हम बड़े गर्व से पूछते थे बापू कितने कमा के लाया, वो बोलता था 10,000 रुपए, झटका लगता था। आज सुने 10,000 में तो क्या हो सकता बताओ, कुछ नहीं कर पाए टाइम टू टाइम। क्योंकि हमारा जो खानदान है ना, हमारा एक चक्रव्यूह चला पड़ा है, मेरा दादा गरीब था तो बापू को ट्रांसफर करके बेटा फलाने फलाने का बाकी है तू चुका देना, नहीं मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बापू ने भी आगे ट्रांसफर करने की कोशिश की, बेटा देख अपन ने बहुत काम किया है, ये फलाने फलाने का चुकाते देख अच्छी बात नहीं, इज्जत खराब हो जाएगी। बात अपने पाके रुकी। सिक्योर लाइफ में 5.5 साल से लगातार किया, जो गरीबी का कूच चक्कर कहीं 7 पीढ़ी चल रहा था ना, गरीबी 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 गरीबी। क्योंकि हमेशा गरीब आदमी के घर में बच्चा पैदा होगा, ढोल बजाने के लिए कर्जा चाहिए, शादी में ढोल बजाने के लिए कर्जा चाहिए, बंटवारा करने के लिए ढोल बजाने वो भी कर्जा चाहिए, जितने काम होंगे कोई मर गया उसको आत्मा को ठंडक देने के लिए भी कर्जा चाहिए, सौर नो सब काम कर्जे से। और गरीबों के घर में कभी संपत्ति बांटी नहीं गई, एक ही चीज बांटी गई कर्जा, कि 1.5 लाख तेरा 1.5 लाख मेरा, तू चुका अपन फ्री। ये जो गरीबी का कुचक्कर लगातार चला रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी, ये यहां तक आके थमा, डिसीजन लिया, दैट्स ऑल क्लियर, कि आज के बाद गरीबी नहीं बांटी जाएगी और आने वाली 7 पीढ़ी तक गरीबी नहीं रहेगी, ये डिसीजन मैं ले चुका था। और दुनिया का कोई आदमी मुझे डाइवर्ट नहीं कर सकता, और कोई कुत्ता साला बीच में आ नहीं सकता, आ कैसे गए साले वहीं भेज दूंगा जहां से तू निकल गया है। कोई नहीं कर पाया, लेकिन मेरे बाप को देख के तरस आता था कि वह आदमी 35 साल करने के बाद उसको भरोसा नहीं होता था कि 50 लाख भी आ सकते हैं, उसको भरोसा नहीं होता था कि लाख भी आ सकते थे। वो बोलता था यार एक बेकार लग, मुझे लगता नहीं आएंगे, मुझे लगता था ये बाप कब तक मेहनत करेगा।
पता नहीं मैंने सिक्योर लाइफ में कितना कमाया, सबसे बड़ी जो इनकम मेरी रही सिक्योर लाइफ में 35 साल मेरे फादर ने मजदूरी की, लेकिन पिछले 4 साल के अंदर मेरे फादर ने कुछ नहीं किया। बरी बोरी तो छोड़ो, खाली नहीं उठाई उसने, पहली बार मजदूर रिटायर हुआ कोई, पहली बार। आप फोन करके पूछ सकते हैं, मेरे से घर के नंबर ले लीजिए, हमारे घर में कोई काम नहीं करता मेरे अलावा, और मैं भी कोई काम नहीं करता बात करने के अलावा। क्योंकि जब मैं गली से निकलता तो पहले मेरे माँ बाप यूं घूम घूम के देखते, फिक्र होती थी, फिक्र क्या होती थी, फिक्र पता नहीं क्या होगा क्या होगा। लेकिन आज बड़े गर्व से बोलता हूं, उस माँ बाप को फक्र होता है कि बेटा बहुत आगे तक चला गया है, आज फक्र होता है। पहला मेरा परिवार कभी चैन से सो नहीं पाया रात को बेचारा, कभी चैन की नींद मैंने उनको देखा नहीं, कभी सोए होंगे, करवट बदलते थे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, जुगाड़ करते थे कल का व्यवस्था कहां से करेंगे। उनको निद्रा क्यों नहीं आती थी, नींद क्यों नहीं आती थी, उनको नहीं आती थी निद्रा, क्योंकि हमारे पास नहीं थी मुद्रा। तो ये हालात लगातार मेंटेन करता गया, ये हालात मुझे लगातार मोटिवेट करते रहे, बातें मुझे लगातार मोटिवेट करते कि बेटा तुझे कुछ करना है, करना करना है। और सिक्योर लाइफ में आने के बाद एक आशा की किरण कमिटमेंट मेरे अपलाइन को कर चुका था कि जब तक जीऊंगा मेरी खून की बूंद एक भी लास्ट तक बचेगी तब तक मैं सिक्योर लाइफ के साथ रहूंगा, तब तक जब तक मेरी सांसें चलेंगी।